नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुप्ता एनजीओ क्रो क्राउड से आज आपको लेके चलते हैं कंफर्ट एनक्लेव में 28 नंबर के मकान पे जो विकास शर्मा जी का है। वहाँ पे आपको एक ऐसा अनोखा अद्भुत दो पत्तियों के बीच में बना हुआ चिड़ियों का घोंसला जो चिड़ियों ने बनाया हुआ है और उस पेड़ पे बनाया हुआ है जिसकी ऊँचाई मात्र 4 से 5 फुट की ऊँचाई है और ऐसा निष्ठ अद्भुत निष्ठ बनाया हुआ है जो आप देखकर दंग रह जाएंगे। आज हम पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर तत्पर हैं और कहते भी हैं कि इरादे हो जिनके पक्के वो आगे बढ़ जाते हैं, टकराते हैं जो तूफान से वो मंजिल को पाते हैं। आज आपको दिखा रहे हैं ऐसा ही निष्ठ मात्र 2 पत्तों में बना हुआ। ये जो आप निष्ठ देख रहे हैं मात्र 2 पत्तों में बना हुआ है जिसको चिड़ियों ने बनाया हुआ है और इस पे चिड़िया ने 4 अंडे भी दिए हुए हैं। कहते हैं कि अगर जिस प्रकार पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण समाज सेवी विकास शर्मा जी अपने घर में दाना पानी रखते हैं और चिड़ियों को इतना पसंद आया कि उनके ही घर पे एक छोटा सा पेड़ है जिसकी ऊँचाई 5 फीट तक है, 4 से 5 फीट तक है, उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर नेस्ट बनाया और जिसको आप देख के दंग रह जाएंगे। बहुत ही सुंदर नेस्ट है, मात्र चिड़िया आपसे क्या चाहती है, दाना पानी। वो आपके कंक्रीट जंगल में भी रह सकती हैं। मेरा बस यही निवेदन है कि चाहे आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, कमेंट्स करें या ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर ऐसे कंक्रीट के जंगल में नेस्ट बन सके और पक्षियों का संरक्षण हो सके। पक्षियों के संरक्षण में अपना भूमिका दीजिए। तब आप देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी वाले नेस्ट बांट रहे हैं कि गोरैया घर पे आए, आओ गोरैया घर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों का संरक्षण हो सके। लेकिन अगर आपने मन से पक्षी के लिए प्रॉपर वे पे दाना और पानी रखा तो आपके घर पे आप ये देख सकते हैं कि ये मिरेकल है। ये पत्तियों में गोरैया ने अपने घोंसले दिए हुए हैं और ये 4 अंडे भी देख सकते हैं आप। ये 4 अंडे दिए हुए हैं प्रॉपर वे पे और ये है, ये मकान नंबर है, कौन सा नंबर है, 28 नंबर विकास शर्मा जी का मकान नंबर कंफर्ट एनक्लेव बावड़िया कला भोपाल में, कि जहाँ पे पक्षियों ने इसका नेस्ट बनाया हुआ पत्तियों का। बहुत ही अद्भुत नेस्ट है, ऐसा नेस्ट मैंने आज तक कभी देखा नहीं, हो सकता जंगलों में होता हो, लेकिन ये पत्तियों का नेस्ट बनाया हुआ है। और ये ये जो पत्तियों का नेस्ट आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत है और मेरे ख्याल से इसमें कितने दिन लगे होंगे बनने में, कितने दिन इसको ध्यान नहीं दिया और इन्होंने बहुत ही अच्छा नेस्ट बनाया हुआ पक्षियों ने। आप ये देख रहे हैं कि नेस्ट देखिए, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो और दाना पानी अगर आप घर पर रखें तो नेस्ट रखने की भी ज़रूरत नहीं है, नेस्ट रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए अपने से ही नेस्ट डेवलप हो गया, वाह वाह। आप ये देखिए, ये पूरा संपूर्ण कॉलोनी है, ये कॉलोनी के बीच में पक्षी ने अपने घोंसले दिए हुए हैं, पेड़ों के पत्तों से उसने घोंसले बनाए हुए हैं। कॉलोनी में जगह जगह पे नेस्ट भी रखे गए हैं, लेकिन नेस्ट के बाद भी पक्षियों ने अपने घोंसले जो है पत्तियों बनाए हुए हैं। तो पक्षियों को अगर प्रॉपर वातावरण दिया जाए, पॉजिटिव एनर्जी दी जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड दिया जाए, तो पक्षी कहीं पर भी घोंसला बना सकते हैं। इवन ये पत्ती में भी घोंसले बनाए हुए हैं, बहुत अद्भुत अद्वितीय। क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में, पक्षी ने एक मतलब इसमें पत्तियों में बना, प्रकृति का वरदान है, प्रकृति का कुदरत का करिश्मा है जिसको, और ये विकास शर्मा जी जिनके घर पे ये है, ये आपने कब देखा और कैसे देखा, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने इतने सारे घोंसले देखे हुए, लेकिन इसमें आपने देखे हैं, लेकिन एक कॉलोनी में जहाँ पे हम पक्षी संरक्षण कर रहे हैं वहाँ पे पत्तियों में कॉलोनी बनाई मोबाइल देख के बचाए, ये देखिए पत्तियों में, वाह ऑसम माइंड ब्लोइंग। कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाता यहाँ पे, ये देखिए वाओ ऑसम, गुप्ता जी अंदर घोंसले में जा रहे हैं, वाओ ऑसम एक्सलेंट सुपर्ब आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक, क्या बोले, मतलब
ये देखिए पेड़ में अगर आप चाहें तो पक्षी संरक्षण केवल मात्र आपको केवल दाना और पानी रखना है, और ये देखिए बहुत ही अच्छा संरक्षण, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, एक्सलेंट, सुपर। कब किसने देखा बेटा, कब देखा, कब देखा आपने ये घोंसला, कब देखा? चलो वेरी गुड। हमारे यहाँ तो उसपे डोरी बंधी है कपड़े की, हर साल एक बुलबुल आती है, छोटी बुलबुल एक वाली बुलबुल इतना बड़ा मतलब कौन है। एक नंदी जी दर्शन वहाँ से उनकी चिता आपको गुल्लू गुल्लू, रुक जाओ पीछे हो जाओ, आंख में ही लग जाओ बेटा, पीछे हो जाओ पीछे, अभी रुको, किसका बेबी, अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, लो अब आप देखो इधर से, इधर से देखो, फिर आंटी दादी देखेंगे, इधर से देखो, दादी को देखने, आ जाओ आंटी जी, इधर से आना पड़ेगा आंटी जी, ये देखो, गार्डन भी है।